अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ द पोटेंशियल्स एट द पॉइंट्स ए एंड बी इन द सर्किट शोन आर इक्वल कैलकुलेट। पॉइंट ए और पॉइंट बी के जो पोटेंशियल हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, तो कैलकुलेट करना है तुमको द रेजिस्टेंस एक्स, द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, द करंट थ्रू एक्स ओम रेजिस्टेंस, द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, द पावर सप्लाइड बाई बैटरी। ये पार्ट आपको सॉल्व करना है, सर्किट आपको ये दिया गया है इसमें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ओके, ये बीच में 10 ओम है, ये 4 ओम है, ये एक्स ओम है, ठीक, ये 15 ओम है, ये की लगी हुई है, ये बैटरी है, ठीक। तो इस डायग्राम को पहले हम सही करेंगे। अगर हम ये बी से इस डायग्राम को ऐसे उठाएं, ऐसे उठा के ऐसे नीचे ले आएं, ठीक, इस तरह से बी को ऐसे बीच से उठाएं और ऐसे नीचे ले आएं, तो इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा ये भाई। बी से उठा के ऐसे खींच के हम नीचे इसको ले आएं, बी को ऐसे खींच के हम नीचे अगर ले आएं तो ये ऐसा बन जाएगा। बी को खींच के नीचे ले आए तो ये देखिए ये बन गया हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज, और बीच में ये इधर बैटरी है 15 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखिए इन्होंने कहा है कि ए और बी के जो पोटेंशियल हैं वो इक्वल हैं, ये ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल अगर इक्वल होंगे तो इसके मतलब इसमें करंट कोई फ्लो नहीं होगी, है ना, कोई करंट फ्लो नहीं होगी भाई। पोटेंशियल इक्वल होंगे तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस इनका जीरो होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो करंट भी क्या होगी, जीरो। तो बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो जब बीच में कोई करंट फ्लो ना हो तो कंडीशन होती है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की, है ना, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की सिचुएशन होगी। तो क्या हो जाएगा, इसका इसका रेशियो अपॉन इसका और इसका रेशियो, ठीक। तो वही हमने किया, तो हमारा देखिए फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट में एक्स की वैल्यू आ गई 8 ओम, ओके, 8 ओम आ गई एक्स की वैल्यू। दूसरा अब हम करंट डिवाइड करेंगे, तो ये 5 वोल्ट के पॉजिटिव से करंट आई हमने फ्लो करी, फिर यहाँ करंट डिवाइड हो गई, आई वन ऊपर चली गई और आई वन इधर गई, आई ए थी तो इधर कितनी आ जाएगी, आई माइनस आई वन। अब आई वन इधर से जाके बीच में तो कोई करंट जानी नहीं है, तो आई वन ये सीधे यहाँ पर आ जाएगी, और आई माइनस आई वन ये इधर से आके यहाँ आ जाएगी, और जब यहाँ पर आई माइनस आई वन, ठीक है, और इधर की I1 दोनों जुड़ेंगी तो I1 I1 कैंसिल हो जाएगा, I बचेगी, फिर ये I वापस बैटरी में आ जाएगी, ओके। ये हमारा हो गया करंट डिवाइडेशन, ओके। अब देखिए सेकंड पार्ट आपसे क्या कहा है, द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम के रेजिस्टेंस में करंट बतानी है। तो हम क्या करते हैं, आई वन आई और आई माइनस आई वन तीनों की वैल्यू हम पहले निकालते हैं। तो तीनों की वैल्यू निकालने के लिए हमें लूप बनाना होता है। तो पहला लूप हमारा बनता है सी ए डी ई एफ सी, मतलब ये 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 और ये हमारा होता है लूप वन, ठीक। ये कौन सा लूप है हमारा, लूप वन इधर हम बनाते हैं, इस तरीके का लूप हमारा होता है, ये देखिए ये होता है हमारा लूप वन, ठीक, ये जो है। और लूप टू क्या होता है, सी बी डी ई एफ सी, ठीक, लूप टू हमारा होता है इस तरीके का, ये होता है हमारा लूप टू, ओके, क्लियर। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले लूप वन में जब हम इक्वेशन बनाएंगे, इसको पीछे घुमाना पड़ेगा, लूप वन में जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो बनेगी 5i1 प्लस 10i1 प्लस 15i माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक। देखिए यहाँ पर डायग्राम में 5i1 इधर से हम ऊपर की ओर चलेंगे, 5i1 प्लस 10i1, ठीक, अब इधर आ गए सीधे, है ना, ये करंट की डायरेक्शन में है, प्लस 15i माइनस का 5 इक्वल टू 0, ठीक, ये लूप वन की इक्वेशन हो गई। लूप टू की इक्वेशन, इधर से हम नीचे चलेंगे, 4i माइनस i1 प्लस x कितना आया था हमारा 8 प्लस 8i माइनस i1, अब इधर भी करंट की डायरेक्शन में, प्लस 15i माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए दोनों लूप से हमने इक्वेशन बना ली है यहाँ पर, ठीक है, फिर दोनों को सॉल्व कर लिया तो हमारी I की वैल्यू आ गई, I की वैल्यू आई 3/13, ठीक। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट पूछा है, द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, तो 5 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट जा रही है, ये हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम के रेजिस्टेंस में I1 करंट जा रही है, तो I1 जो है हमारी निकली है 3/13, I1 की वैल्यू कितनी निकली, 3/13, सॉरी I की वैल्यू है 3/13, और I1 की वैल्यू निकालेंगे हम, I की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो तो I1 की वैल्यू हमारी निकल आएगी 4/39, मतलब कि
5 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी, 4/39। ओके, थर्ड पार्ट है हमारा द करंट थ्रू x ओम रेजिस्टेंस, x मतलब 8 ओम, 8 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट जा रही है। इस डायग्राम में हम देखते हैं 8 ओम का रेजिस्टेंस ये है हमारा, इसमें जा रही है I-I1, तो हम I की भी वैल्यू निकाल चुके हैं और I1 की भी, I की वैल्यू 3/13 थी, I1 की 4/39, माइनस कर दिया तो ये जो वैल्यू आएगी इतनी करंट हमारी x ओम वाले रेजिस्टेंस में जाएगी। ठीक, फोर्थ पार्ट था टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितनी करंट हमारी निकल रही है। देखिए यहाँ से करंट हमारी कितनी निकल रही, आई, तो आई कितनी हमारी निकली है 3/13, टोटल करंट हमारी कितनी निकल रही है 3/13। फिर पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, पावर इक्वल टू क्या होता है वी आई, वी कितना है 5 और आई कितना है 3/13, ये हमारी आ गई पावर।